जब भी कोई भी दो चार्ज बॉडी एक दूसरे के करीब हो, लेट्स से कि हम अगर हमारे पास दो चार्ज बॉडी हैं, पॉजिटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज, लेट्स से ये ए है और ये बी है, ये केस नंबर वन है, तो इनमें कोई ना कोई फोर्स तो एक्ट करेगी। वो फोर्स जो है वो रिपल्शन की फोर्स है, क्योंकि ये दोनों चार्ज सिमिलर है। और अगर एक ऐसा सिचुएशन आ जाए कि एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक चार्ज नेगेटिव हो, तो अब जो है इनमें अट्रैक्शन होगी, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव हो जाए, तो ये भी एक दूसरे को जो है रिपेल करेंगे, क्योंकि इस सिचुएशन में ये सिमिलर चार्जेस हैं। तो ये हमारे पास तीन सिचुएशंस आ गई। अब अगर हमें ये मालूम करना हो कि इनके दरमियान जो रिपल्शन की फोर्सेस हैं या जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो कितनी फोर्स है, कितनी जो न्यूटन फोर्स है वो इन दो चार्ज बॉडीज़ के दरमियान एक्ट कर रही हैं, तो इसे हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, कौन सा ऐसा वी है, कौन सा ऐसा लॉ है जिसे इस्तेमाल करते हुए हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन निकाल सकते हैं दो चार्ज बॉडीज़ के दरमियान। तो इस जो चीज़ है इसे कूलम ने डिस्क्राइब किया था अपने लॉ में, जिसे हम लोग कूलम्स लॉ कहते हैं। क्योंकि ये कूलम्स ने दिया था इसलिए हम लोग इसे कूलम्स लॉ कह देते हैं। अब चूंकि कूलम ने अपने लॉ में ये कहा कि अगर आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन मालूम करनी है दो चार्ज बॉडीज़ के दरमियान, तो उसके लिए आपको उन चार्ज बॉडी के ऊपर चार्ज की क्वांटिटी मालूम होनी चाहिए। ये Q1 इसकी क्वांटिटी है और ये Q2 इस चार्ज की क्वांटिटी है। कूलम ने कहा कि जो फोर्स लगेगी, लेट्स से कि हम केस नंबर वन की बात कर लेते हैं, कूलम ने कहा कि जो फोर्स ऑफ रिपल्शन इस सिचुएशन में इन पे लगेगी वो हमेशा डायरेक्टली रिलेटेड होगी इन दोनों चार्ज की क्वांटिटी के प्रोडक्ट के, यानी Q1 × Q2 इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी। और आपकी जो रिपल्शन की फोर्स है वो इनवर्सली रिलेटेड होगी आपके इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन। लेट्स से कि इनके दरमियान डिस्टेंस है आर, और इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन आपकी एफ रिपल्शन की फोर्स होगी। तो अगर मैं इसे कंबाइन करके लिखूं तो आपकी रिपल्शन की फोर्स जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है Q1 × Q2 / r का स्क्वायर। तो ये जो है ये लॉ बताया था, ये जो है इस तरह का लॉ बताया था कूलम ने, जो कि हमारे ग्रेविटेशनल लॉ से काफ़ी हद तक मैच करता है। तो इस तरह का लॉ जो है इस्तेमाल करते हुए हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन निकाल सकते हैं। अब इस तरह से करते हैं कि अब हम लेट से ये कहते हैं कि क्योंकि हमारी पहली ही सिचुएशन थी, ये हमारे पास कोई एक चार्ज ए है जिस पर ये चार्ज ए है जिसकी क्वांटिटी A1 है, और हमने बताया था कि ये चार्ज पॉजिटिव है जैसे कि अभी केस नंबर वन में किया, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसे हमने बी का नाम दिया था, इस पर क्वांटिटी Q2 है। ये जो है इस पे लगने वाली फोर्स को नाम हम दे देते हैं कि ये F12 है, और इस पर लगने वाली फोर्स को हम F21 का नाम दे देते हैं। ये नाम इसलिए दिए गए हैं ताकि इजीली हमें समझ आ सके, इजीली हम इस काम को कर सकें। तो अगर मैं इनके दरमियान रिपल्शन की फोर्स को लिखूं दोबारा से, तो रिपल्शन की फोर्स जो है डायरेक्टली रिलेटेड है Q1 × Q2 के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली रिलेटेड है आर स्क्वेयर के। अब जैसा कि आप जानते हैं फिजिक्स में हम लोगों ने जब भी प्रोपोर्शनैलिटी के साथ डील किया है, तो उस सिचुएशन में जब हम लोगों को प्रोपोर्शनैलिटी को यहाँ से रिमूव करना होता है, तो इसकी जगह हमें इज इक्वल्स टू के बाद कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। लेट्स से यहाँ पे हम लोग के यूज़ कर लेते हैं, और उसके बाद Q1 × Q2 / r² एज इट इज़ ही आ जाता है। ये जो के है इस के को हम लोग कहते हैं कि ये जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसे हम लोग कूलम कांस्टेंट कहा जाता है, जिसे कूलम कांस्टेंट कहते हैं। ये हमारे पास जो है ये हमारे पास कूलम्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो कि इक्वल होता है 1/4 πε₀ के, और इसकी एक अपनी वैल्यू भी होती है जो कि बराबर होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर कूलम -2। किसी भी चार्ज का जो यूनिट होता है ना, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है या आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो इस चार्ज का जो यूनिट है उसे कूलम कहते हैं। और एक कूलम जो है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो कूलम का जो चार्ज है वो तकरीबन 6.25 × 10⁻⁵
18 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के इक्वल होता है, यानी कि एक कूलम चार्ज इतना बड़ा होता है कि जब इसके पास 6.28 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन आ जाए, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आ जाए, तब हम कहते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिलकर एक कूलम चार्ज बनाता है। और इसी तरह से यहाँ पर जो अगर मैं के का आपको यूनिट डिराइव करके दिखाऊँ, तो यूनिट इस तरह से निकाला जाता है कि फोर्स यहाँ पर न्यूटन थी कि एज इट इज ही, और क्यू पर भी चार्ज कूलम होता है क्यू का यूनिट, और सिमिलरली क्यू टू का भी जो यूनिट है वो कूलम होगा, और आर स्क्वेयर मीटर होता है तो इसमें मीटर स्क्वेयर आ जाएगा। ये न्यूटन मीटर स्क्वेयर उधर चले जाता है, के इधर रह जाता है, और ये जो सी है ये सी स्क्वेयर थे। नेक्स्ट प्रोसीजर में ये जो है ये न्यूटन मीटर और मीटर स्क्वेयर और डिवाइड बाय कूलम स्क्वेयर, जब ये कूलम स्क्वेयर ऊपर जाता है तो दैट्स वाई यहाँ पर कूलम माइनस स्क्वेयर आ जाता है। तो इस तरह से इसका जो यूनिट है वो डिराइव किया जाता है। लेट्स अब हम अपने केस नंबर 1 को ही आगे लेके चलते हैं कि ये हमारा जो केस नंबर 1 था इसमें यहाँ पर हमारे पास Q1 चार्ज था, ये पॉजिटिव है, इसके ऊपर F12 फोर्स एक्ट कर रही है, और ये जो Q2 है इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर F21 फोर्स एक्ट कर रही है। अब अगर मैं इस फोर्स F12 का यूनिट वेक्टर ड्रॉ करूं तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा R वो R12 होगा, और सिमिलरली इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो यूनिट वेक्टर 21 होगा। यूनिट वेक्टर जो है ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, जबकि डायरेक्शन में जो है ये ऑपोजिट है, यानी कि R12 इक्वल है R21 के, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इन दोनों के साथ। अब अगर मैं इस तरह से कहूँ कि अगर सिर्फ मैं F12 की फोर्स निकालना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा F12 इज इक्वल्स टू के Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R का स्केयर, और R यहाँ पे मैं लगा सकती हूँ R का स्केयर, और अगर मैं इसके साथ यूनिट वेक्टर लिख दूँ R12, तो यूनिट वेक्टर की चूँकि मैग्नीट्यूड आप जानते हैं 1 होती है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होती है, तो यहाँ पर लिखने से हमारे पास कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैं F21 के लिए निकालना चाहूँ तो यहाँ पर के आ जाएगा Q1 × Q2 डिवाइडेड बाय R² और साथ ही यूनिट वेक्टर जो कि F21 आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी यूनिट वेक्टर की जो है मैग्नीट्यूड 1 है, तो वो साथ लिखने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब चूंकि हमें मालूम है कि F12 जो है वो इक्वल है F21 के, बट नेगेटिव साइन के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर मैं इस तरह से इस सिचुएशन इसे मैं कह देती हूँ कि ये इक्वेशन ए है और ये इक्वेशन बी है, अगर मैं इस चीज़ को इक्वेशन ए में पुट कर दूँ तो इक्वेशन ए में पुट करने से मुझे ये पता चल जाएगा कि जो F12 है इक्वल्स टू के Q1 × Q2, अब डॉट इसकी जगह -R21 लगा दिया जाए और डिवाइडेड बाय R², तो इस तरह से अगर मैं इसके बाद यहाँ पर इस तरह से करूँ कि F12 इक्वल्स टू के Q1 Q2 और माइनस बाहर लगा दूँ और R21 डिवाइडेड बाय R², तो अब आप देखें तो नेगेटिव साइन को सिर्फ बाहर रखते हुए, नेगेटिव साइन को आप निगलेक्ट करते हुए देखें तो ये सारी की सारी चीज़ यही नहीं बन जाती, यही बन जाती है ना। तो अगर मैं इसे इस तरह से लिख दूँ कि हमारा F12 इक्वल्स टू माइनस और उस पूरी की पूरी की जगह मैं F21 लगा दूँ, तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि F12 जो फोर्स है वो बराबर है F21 फोर्स के, यानी कि अगर यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज था और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे Q1 चार्ज है क्वांटिटी और इस पे Q2, इस पर एक्ट करने वाली फोर्स F12 है और इस पर एक्ट करने वाली फोर्स F21 है, तो ये फोर्सेस के जो मैग्नीट्यूड है ये हमेशा इक्वल होते हैं और ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। मीन्स ये कि अगर डिफरेंट चार्ज के दरमियान रिपल्शन की फोर्स है तो जाहिर सी बात है वो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगी, और जितनी फोर्स जितनी न्यूटन फोर्स इस Q1 चार्ज पे एक्ट करेंगी, सिमिलर उतनी ही फोर्स इस चार्ज Q2 पर भी एक्ट करेगी बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो कूलम के लॉ से एक तो हमें ये भी पता चलता है कि हमेशा चार्ज बॉडीज के दरमियान कोई ना कोई रिपल्शन या अट्रैक्शन की फोर्स प्रेजेंट होती ही है, और जो वो फोर्स है वो हमेशा इक्वल होती है मैग्नीट्यूड के लिहाज से बट डिफरेंट होती है डायरेक्शन के लिहाज से, तो हमें ये कूलम के लॉ से पता चल जाता है।
इसके अलावा जो डिफरेंट एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि आपने अमूमन देखा होगा कि जो टैंकर्स होते हैं पेट्रोल टैंकर्स जिनमें पेट्रोल सप्लाई की जाती है, कुछ इस तरह से उसकी शेप होती है, ये टैंकर होता है। और टैंकर के पीछे जो है ना इस तरह से अक्सर ना वो आपके पास एक ना जो चेन है वो लटक रही होती है, आपके पास आयरन की एक चेन लटक रही होती है इस ट्रक के पीछे। लेट्स से कि अभी मैं इस तरह से बनाती हूँ, ट्राई करती हूँ बनाने की, इस तरह से आपके पास एक जो है ट्रक है और ये जो ट्रक है इसके पीछे से इस तरह से ये ट्रक है और ट्रक के पीछे इस तरह से आपके पास जो है आयरन की जो चेन है वो लटक रही होती है। ये एक पेट्रोल टैंकर है, इसके अंदर जो है पेट्रोल की सप्लाई की जाती है। अब होता ये कि जब ये चीज़ चल रही होती है तो इसके ऊपर जो है एयर की फ्रिक्शन की वजह से चार्ज हो जाता है और चार्जिंग की वजह से जो स्पार्किंग का डेंसर है वो भर जाता है। अब होता ये है कि ये जो हम लोगों ने आयरन की यहाँ पर चेन लगाई है इसके थ्रू जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो जाता है अर्थ में, जिसकी वजह से स्पार्किंग का जो डेंजर है वो कम हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा एग्ज़ाम के दरमियान ही चार्ज हो, एग्ज़ाम के दरमियान ही अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, वहाँ पे तो रिपल्शन और अट्रैक्शन होती है। इसके अलावा डिफरेंट बॉडीज़ जो है वो एयर की फ्रिक्शन की वजह से या किसी और तरीके से भी चार्ज हो जाती हैं। जैसे कि मोस्टली आपने देखा होगा कि फ्लाइट जो है, फ्लाइट के दरमियान आपका जो एरोप्लेन है उसकी बॉडी भी चार्ज हो जाती है और उसके जो टायर्स होते हैं वो कंडक्टिव रबड़ के बने होते हैं। जैसे ही आपका एरोप्लेन लैंड करता है तो जितनी आपकी एरोप्लेन की बॉडी के ऊपर चार्ज आया होता है वो आपके कंडक्टिव रबड़ के बने हुए टायर्स के थ्रू अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपका स्पार्किंग का डेंजर है वो कम हो जाता है और जो डिफरेंट मतलब डेंजर्स वगैरह हैं फ्लाइट के दौरान वो भी कम होते हैं। सिमिलरली डिफरेंट जो चीज़ें हैं जो चार्ज हो जाती हैं एयर के फ्रिक्शन से उनमें डिफरेंट टाइप के जो है प्रोसेस किए जाते हैं ताकि चार्ज किसी भी तरीके से अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाए और स्पार्किंग का डेंजर ना हो। तो बेसिकली आज हम लोगों ने ये पढ़ाया है कि जो कूलम्स लॉ है, कूलम्स ने अपने लॉ में ये बताया है कि कोई भी दो चार्ज बॉडीज हों, पॉजिटिवली चार्ज हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव हैं, या नेगेटिव और पॉजिटिव हैं, हमेशा उनके दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन होती ही है और रिपल्शन और अट्रैक्शन हमेशा एक दूसरे के बराबर यानी कि क्वांटिटी में, मैग्नीट्यूड में इक्वल होती हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हो सकती हैं लेकिन वो उनकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी सेम रहती है। और इसके अलावा जो है अगर मैं न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ लूँ और उसके साथ इसको कंपेयर करूँ तो आपको मालूम है कि न्यूटन ने अपने ग्रेविटेशन लॉ में ये बात कही, न्यूटन ने कहा था कि कोई भी अगर दो बॉडीज़ हैं, मीन्स ये दो बॉडीज़ हैं या कोई भी एक बॉडी है उसको हमेशा अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। और उसने ये भी बात कही कि अगर कोई भी दो बॉडीज़ आपस में पड़ी हों तो इनमें जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उसने इस बात को इस तरह से डिफाइन किया था कि लेट्स से ये मैस M1 है और ये मैस M2 है। उसने कहा कि यहाँ पर जो FG ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, और ये चूँकि मैसेज इस तरह से कह लिया जाए कि इनमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा डायरेक्टली रिलेटेड होती है इनके मैसेज के प्रोडक्ट के। सिमिलरली जैसे कूलम्स ने कहा कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि चार्जेस के दरमियान होती है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है चार्जेस के ऊपर मौजूद क्वांटिटी के। सिमिलरली जो है न्यूटन ने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है जो हमारी बॉडीज़ हैं उनके ऊपर मौजूद मैसेस के, उनके मैसेस के प्रोडक्ट के। और इनके सेंटर से जिस तरह से कूलम ने डिस्टेंस लिया इसी तरह से न्यूटन ने भी यही कहा था कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है हमारी ग्रेविटेशनल की फोर्स, यानी कि इस तरीके से। और जब इसको कंबाइन करके लिखा गया तो यहाँ पर इसकी भी कुछ यही सिचुएशन बनी थी, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट लगाने के बाद M1 M2 डिवाइडेड बाय R2। तो ये हमारी ग्रेविटेशनल की फोर्स और ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस के दरमियान होती है, जिसे Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 इस तरह से लिखा जाता है। अब जो बात मैं बताना चाह रही हूँ वो बात ये है कि हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो तकरीबन हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स का 10^36 टाइम्स होती है। ये हमारी इसी इस तरह से लिख
कि ये हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके मुकाबले में 10^36 टाइम ज़्यादा होती है। इसको हम बकायदा प्रूफ करके भी सॉल्व कर सकते हैं कि किस तरह से ज़्यादा होती है। इसके प्रूफ को करने के लिए लेट्स से मैं ये कह देती हूँ कि हमारे पास ये दो, पहले तो ग्रेविटेशनल का, पहले ग्रेविटेशनल के फोर्स को देखते हैं एफ जी को, कि ये हमारे पास मैसेज है, इसे M1 कह देते हैं और ये M2 है। ये इनके दरमियान जो डिस्टेंस है आर है, और ये जो मैसेज हैं इन्हें हम मैसेज ऑफ प्रोटॉन के इक्वल ले लेते हैं, इसे भी मैसेज ऑफ प्रोटॉन के इक्वल ले लेते हैं। तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाएगी वो जी इंटू एम पी इंटू एम पी डिवाइडेड बाय आर स्केयर के इक्वल आ जाएगी। और यहाँ पर मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ कि जी एम पी का स्केयर डिवाइडेड बाय आर स्केयर, ये एफ जी आ गई हमारे पास। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है के, और यहाँ पर Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आएगी। लेट्स सी कि मेरे पास ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। अब दूसरी बात ये कि ये जो चार्ज Q1 है, लेट्स सी कि ये भी एक इलेक्ट्रॉन, चूँकि हम कूलम की बात कर रहे हैं, इस पर एक चार्ज एक कूलम के बराबर होगा। और लेट्स सी कि इस पर भी एक कूलम चार्ज है और इस पर भी एक कूलम चार्ज है। आपको पता है कि एक कूलम जो है वो 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो होता है 1.6 × 10^-19 कूलम। तो अगर मैं ये ज्यूम कर लूँ कि चार्ज 1 भी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पे चार्ज है और इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, तो यानी कि इसे ज्यूम इस तरीके से कर लो कि लेट्स से ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होती है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई ना, तो हम इसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं। और दूसरी बात ये, इनके दरमियान ये जो है डिस्टेंस आ गया, तो अगर मैं इसे यहाँ पे लिखूँ तो के लिखना पड़ेगा, ई इंटू ई लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने चार्जेस को एज्यूम कर लिया है कि वो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी कि के ई का स्केयर डिवाइडेड बाय आर स्केयर। अब हमें क्या करना है, अब अगर हम इस तरीके से करें, लेट्स से कि मैं ये कहती हूँ कि मैं एफ ई को डिवाइड कर देती हूँ एफ जी के साथ, तो एफ ई जो मेरी है वो के ई स्क्वायर के इक्वल है, और एफ जी जो है वो मेरी जी एम ई यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन के स्क्वायर के इक्वल है। अब देखा जाए तो इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आर स्क्वायर भी था, यानी कि एफ ई जो है वो हमारे पास इस तरह से थी ना, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और एफ जी हमारे पास ये थी जी एम पी स्केयर डिवाइडेड बाय आर स्केयर। तो जब इन दोनों चीज़ों को डिवाइड करूँगी तो ये आर आर से कैंसिल, तो ओवरऑल जो रिलेशनशिप है वो इस तरह से ही हमारे पास निकल आता है। अब अगर मैं इनकी वैल्यूज़ लगाऊँ, यानी कि ये आर तो अब हमारा इस आर से कैंसिल आउट हो गया ना, तो हमारा जो ओवरऑल रिलेशन बना वो ये के ई स्केयर डिवाइडेड बाई जी एम पी स्केयर। के की वैल्यू हमें मालूम है कि के जो है वो 9 × 10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 के इक्वल है। जी की वैल्यू हमें मालूम है कि जो जी की वैल्यू है वो 6.6 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर होता है। और मास ऑफ प्रोटॉन जो है हमारे पास 1.67 × 10^-27 kg है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है 1.6 × 10^-19 कूलम है। जब हम इन सारी चीज़ों को इस तरह से पुट करते हैं यहाँ पर एफ ई डिवाइड पे एफ जी, यहाँ पर 9 × 10^9, फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे इलेक्ट्रॉन के स्केयर से, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज 1.6 × 10^-19 का स्केयर, उसके बाद ये डिवाइड हो रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10^-11 इनटू हमारा जो मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 × 10^-27 के स्क्वायर से। तो इस तरह से ओवरऑल कैलकुलेशन करके हमारे पास जो आंसर निकलता है वो तकरीबन इस तरह से है कि 1.03 × 10^36 टाइम, यहाँ पर 36 टाइम आ जाता है यहाँ पे हमारे पास जो है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने से, और यहाँ पर एफ ई डिवाइडेड बाई एफ जी आ जाता है। अब इस चीज़ को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, ये 1.0 × 10^36 है, या इसे मैं यूँ भी कह सकती हूँ कि ये 36 × 10^36 है। अब अगर एफ ई को यहाँ पर रखूँ और एफ जी जो कि यहाँ पर है इसे यहाँ पर ले जाऊँ,
तो मेरे पास ये प्रूफ हो जाता है कि एफ यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो 10^36 टाइम हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होती है। तो इस तरह से बकायदा प्रूफ किया जा सकता है कि हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दो चार्ज बॉडीज के दरमियान मौजूद है वो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि दो बॉडीज के दरमियान होती है उससे 10^36 टाइम इंक्रीज है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि कूलम्स लॉ क्या है, दो बॉडीज के दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे किस तरह से डिटरमिन किया जाता है, ये फोर्सेस हमेशा इक्वल होती हैं मैग्नीट्यूड के लिहाज से, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं। फिर हमने ये भी प्रूव किया कि हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है। तो होप सो आपको आज की वीडियो में काफ़ी हद तक समझ आ चुका होगा।